Hey guys, welcome back. और दोस्तों मटकियाँ लगाकर हमें कंप्लीट अभी एक दिन हो चुका है और बहुत जल्द हमारे बजेस यहाँ पे हम ऐड कर देने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हमारे जो मटकियों के ऊपर जो हम प्लेट लगाते हैं मिट्टी की, वो ध्रुव हम लेके आने वाले हैं, ठीक है। और आज पेट शॉप भी जाना है, ठीक है ध्रुव। यार खाना खत्म होने, यार फिश का देख, हाँ ना यार ध्रुव, तू नहीं आ सकता यार ध्रुव, यार ध्रुव हमारे साथ पेट शॉप नहीं आ सकता क्योंकि ध्रुव के एग्जाम चल रहे हैं यार, ठीक है। तो ये देख ध्रुव, खाना सारा का सारा खत्म हो रहा है यार, देख मतलब खाना ऑलमोस्ट हमारे फिशेस का भी खत्म हो गया है, पिज्जा का तो खत्म ही हो गया है, ठीक है। तो मैं अभी जाने वाला हूँ पेट शॉप से, मैं अभी सारा खाना वगैरह लेके आता हूँ, और कोई अच्छी फिश लगे तो वो भी लेके आऊंगा। ध्रुव तुझे ना कल की जो हैप्पी न्यूज है वो पता है भाई, कॉकरटेल की मैंने हमें क्या हैप्पी न्यूज दी? हाँ पता है भाई मुझे, तो क्या न्यूज है? अंडे दिए उसने, बराबर। अरे हाँ, हमारे कॉकरटेल ने कल एक दिए, तो कितना ज्यादा खुश हुआ। बहुत। अब यार मैंने देखा ना, एक ही अंडा देखा यार अंदर मैंने, हाँ ना यार, मुझे तो ऐसा लगता है ना अंदर और अंडे होंगे, बट हम अभी नहीं चेक करेंगे, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है ना। दो दिन बाद हम चेक करेंगे फिर से, ठीक है ना, क्योंकि पेट शॉप अंकल को मैं पूछ लेता हूँ कि भाई कॉकरटेल ने हमारे यहाँ पे अंडे दिए तो अभी क्या किया जाए। सुनना ब्रो, मैं क्या बोल रहा, पहले अपन पेट शॉप जाके देखे, नर्सरी पहले पेट शॉप जाते हैं, नहीं पहले नर्सरी जाते हैं, अपने को पहले नर्सरी लगेगी ना, ठीक है। चलो यार, तो दोस्तों अभी हम पहले नर्सरी जाने वाले हैं, फिर हम पेट शॉप में जाएंगे, तो चलो भाई निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमें जो चीज़ चाहिए थी वो यहाँ पे मिल गई, नर्सरी में अवेलेबल हो गई। तो देखो यार, तो ये मैं ले लेता हूँ, कितनी मटकी यार हमारे, तो एक डज़न है ना, हाँ ठीक है चल एक डज़न ले लेते हैं। तो दोस्तों हमें जो नर्सरी से चीज़ लगने वाली थी मिट्टी के बर्तन, तो हमने वो ले लिए, और अभी हम चलते हैं पेट शॉप के, और यहाँ पे देख सकते हो और कितने अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं, तो हमें प्लांट्स भी ऐड करने पे आगे जाके। तो दोस्तों मैं अभी पहुँच चुका हूँ पेट शॉप, और चलते हैं भाई हमारे यहाँ पे, अभी अभी न्यू ही पेट शॉप खुला है, मतलब पुराना था बट अंकल ने अभी और नया कुछ सेटअप मतलब ऐड किया भाई इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे केजेस वगैरह रखे हुए हैं बर्ड्स के लिए, और इधर वाले साइड में है सारा का सारा फिश का सेक्शन, मतलब आप देख सकते हो भाई कितने खूबसूरत फिशेस है यहाँ पे, और न्यू फिशेस आने वाली है बहुत जल्द, अंकल मुझे बोले। और यहाँ पे डॉग वगैरह फूड रखा है, और यहाँ पे कुछ न्यू टैंक वगैरह और कुछ एसेसरीज वगैरह रखी है, और यहाँ पे पैको पिराना जो एक्वेरियम पिराना बोलते तो वो भी यहाँ पे है, जो कि मुझे पसंद तो आ गई है यार, देखते भाई। और यहाँ पे कुछ ऑस्कर्स वगैरह का कुछ फूड वगैरह रखा है, और बाकी यहाँ पे कुछ जो एक्वेरियम के लिए डेकोरेशन के लिए लगती है, मतलब जो चीज़ें ज़रूरी होती है भाई, जैसे एयर पंप वगैरह, यहाँ पे सारे के सारे फिश फूड वगैरह रखा गया है। और इधर देखते हैं तो भाई इधर सारे के सारे बर्ड्स का सेक्शन है, बर्ड्स के जो केजेस वगैरह जो एसेसरीज यहाँ पे रखी गई है, ये देखो भाई यहाँ पे सारे के अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स है, जैसे कि ये लो बर्ड्स है, वाओ यार। और लो बर्ड्स में के नीचे कॉकरटेल है, कॉकरटेल भी देख सकते हो कितने खूबसूरत है, येल्लो कलर के यार सारे के सारे। और यहाँ पे है बजीज, वाओ बजीज में जो कलर है यार मुझे बहुत पसंद आए, बट अभी ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी बजीज है, अभी तो हमें फिंचेस लेनी है यार, मैंने अंकल को बोला कि भाई हमें नेक्स्ट टाइम चाहिए फिंचेस, तो अंकल बोले ठीक है यार हम नेक्स्ट टाइम फिंचेस लेके आएंगे आपके लिए। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के केज रखे गए हैं, जो कि केज तो हमें नहीं चाहिए यार, तो देखो यार अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग शेप के केजेस है भाई,
तो ड्रिप टूट भी है यहाँ पे, बट छोटा था यार, तो ये छोटा ड्रिप टूट तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट देखेंगे यार, छोटा बाउल सेटअप के लिए अच्छा होगा यार ये ड्रिप टूट, तो ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमने एक पिराना फिश का पेयर ले लिया है, एक अल्बिनो कलर में और एक ब्लैक कलर में है। तो दोस्तों फिशेस को लेकर आपका एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले यार आराम से बैठ लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने दो पैको पिराना ली, जो कि ये वाली देखो अभी नज़र आ रही है। तो इसमें से एक जो पैको पिराना है, जो एक्वेरियम पिराना आती है, मैं नॉर्मली वो लिया हूँ, ठीक है भाई, असली वाली पिराना नहीं है। और ये अल्बिनो आप देख रहे हो, इसकी जो टेल है, इसकी टेल थोड़ी मतलब ख़राबी हो चुकी है भाई, पूरी तरीके से डैमेज है मतलब ये, तो इसी की वजह से मैंने इसको ख़रीदा है, मतलब हम इसकी ट्रीटमेंट वगैरह कर सकें, ओके। और जो दूसरा पिराना है वो बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ ये वाला थोड़ा बहुत डैमेज है। तो चलो यार हम इसकी ज़रूर ट्रीटमेंट करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए मैं तो आज मेरे दोस्त के यहाँ पे ही रुक रहा हूँ। तो कहाँ है तेरे ऑस्कर्स? ओके, मुझे तो पता है यार। तो ये देखो भाई, ये है मेरे दोस्त के क्यूट ऑस्कर फिश का पेयर, जो कि हमने कुर्दा फिश मार्केट से लाया था ना, ये वाला। हाँ, ये वाला जो ऑस्कर है ना यार, ये वाला ऑस्कर फिश हमने कुर्दा फिश मार्केट से लाया था, और ये वाला छोटा जो है ना, ये हमने किसी पेट शॉप से लाया था यार, ये मुझे पता है। कितना बड़ा हो गया यार ये, वाओ। तो भाई अभी इसका फीडिंग का टाइम हो गया है, तो हम इसको फीडिंग डालते हैं। ओके ओके, अभी फीडिंग का टाइम है इनका, कैसे खाते हुए ऑस्कर जब खाते ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखने के लिए। एक मिनट, अभी दे सकता है तू, अरे डर रहे यार ये तो, खा लेंगे क्या फिर? खतरनाक, जबरदस्त। यार हमने ये जब लाए थे ना, ये बहुत ही छोटे साइज के थे यार, इतने ही साइज थी यार इनकी, अभी देखो ना कितनी बड़ी हो गई, हमारे बॉब के थोड़े ही छोटे यार ये, नहीं बॉब के थोड़ा बड़ा है, बॉब इनसे बहुत बड़ा है। हाँ मतलब इतना, इतने साइज हो गए यार, हमने लाए थे तो इतने इतने थे यार ये, वाओ। सुनना ब्रो, इनको कहाँ पे रखने का, ये दो वाली फिश अभी इनको मेरे ऊपर एक टैंक है, उधर छोड़ देते हैं, ठीक है चलेगा फिर। हाँ यार, इनको आज रात के लिए ना दोस्तों हम ऊपर एक टैंक है उसमें छोड़ देते हैं, फिर कल मॉर्निंग में उनको उठाकर फिर ये कर लेंगे। चल फिर उठा, अच्छी केयर करनी होगी। ये अल्बिनो वाला जो है ना, देख यार बेचारा यार। हाँ तेरे पास ब्लू लिक्विड वगैरह है क्या? हाँ ब्लू लिक्विड वगैरह, हीटर वगैरह ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं, और मिलते हैं दोस्तों कल।